हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द अननोन एंगल इन ईच ऑफ द फॉलन ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल का जिसकी थ्री साइड होती है हम उसको कहते हैं ट्रायंगल। अब इसमें थ्री साइड है, थ्री एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में। कितने एंगल्स होते हैं? थ्री। अब वन टू थ्री एंगल है, हमें दो एंगल तो दे रहे, हमें तीसरा निकालना। भाई तीसरा कैसे निकालेंगे? हमें समझना पड़ेगा इन तीनों, एक प्रॉपर्टी होती ट्रायंगल की, इन तीनों क्या होता, द सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल। भाई जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के उनका जो सम होता है कितना होता है? इज 180। ये एक प्रॉपर्टी है, जो ट्रायंगलों का एंगलों का सम होता है वो कितना होता है भाई? 180 होता है। अब हमें समझ आएगा भाई जो हमारे तीन, हमारे जो ट्रायंगल है उनका सम कितना होता है तीनों एंगलों का? 180 होता है। भाई तो एक कितना दे रखा? 75 दे रखा। दूसरा कितना दे रखा? 35 दे रखा। भाई इसको हम x ले लेते, तो ये हमने ले लिया x। इनका सम कितना होगा? 180 है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? 180। अब देखो इनको प्लस कर दो, 5 कितना होता भाई? 10 होता। ये कितना होता? 7 और 3 10, एक कैरी थी, 110 हो गया, प्लस x इक्वल टू 180। भाई x इक्वल टू 180 माइनस 110, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, 8 में से 1 गया 7, 70 आ जाएगा। ऐसे हमारा देखो भाई, इसको हम x ले लेते हैं, ये 59 है, ये 49 है, तो हमारी एंगल 49 प्लस 41 प्लस x ले लेते इक्वल टू कितना है? 180। क्यों है भाई? ये आपको लिखना पड़ेगा, द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। ठीक है, इनको भाई 9, 1, 10 हो जाएगा, 5 और 9, 5 और 4, 9, एक कैरी थी 10, प्लस x इक्वल टू 180। ओके, और x इक्वल टू 180 माइनस 100, और x इक्वल टू 80 आ गए। ओके, अब यहाँ देखो भाई, ये 90 दे रखा, ये 30 दे रखा। अब हमारा पास तीसरा ट्रायंगल का है, एक क्या दे रखा? 90 दे रखा भाई, थर्ड ट्रायंगल, एक हमें 30 दे रखा, एक हमने x ले लिया। इनका सम कितना भाई? 180। द एंगल द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना? 180, अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी। ओके, अब ये करेंगे हम प्लस, कितना हो जाएगा? 120 प्लस x हो जाएगा 180। ये पीछे जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 120, और x इक्वल टू 60। ये ढंग से हम कर सकते हैं इनको। ओके,